एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मेरी जिंदगी में इतने सारे दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफ क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें कौन सा दुख बताऊं, मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। मेरे जो रिश्ते हैं उनसे भी मैं दुखी हूँ और मेरे शरीर में भी बीमारियाँ होती रहती हैं, एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। मैं ना ही अपने रिश्ते से खुश हूँ और ना ही अपने परिवार से खुश हूँ, ना ही अपने मन से खुश हूँ और ना ही अपने ज़िंदगी से खुश हूँ। लगता है ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, कोई मतलब नहीं है जीने का। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे इन सभी दुखों का कारण क्या है। तब वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, मैं इसलिए तो आपके पास आया हूँ कि आप ही बताओ मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, सबका क्या कारण है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, देखो विचार करो, गहराई से सोचो कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुख का। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा पर उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो महात्मा बुद्ध ने उसे उत्तर दिया कि तेरे सारे दुखों का कारण तू ही है, ये तेरे मन की आसक्ति है, तेरे मन का मोह है। गौतम बुद्ध एक अनमोल विचार कहते हैं, आपके मन के सभी दुखों का कारण आपका मोह होता है, आपके मन की आसक्ति होता है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मैं समझा नहीं कि मेरे मन का मोह मेरे दुख का कारण कैसे हो सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उसे तीन छोटी छोटी कहानियां सुनाई। एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तब वहां से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। तो उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि इसकी मदद करनी चाहिए, ये इस पेड़ से चिपक गया है। तब उसके गुरु ने कहा कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो वो शिष्य हैरान होकर अपने गुरु से पूछने लगा कि ऐसा क्या है कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तब उसके गुरु ने जवाब दिया, जिस इंसान ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा है और जिस इंसान ने खुद ही किसी चीज को पकड़ा हो उसे भला कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा है कि ये मेरा है, ये छूट ना जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए और तेरे सारे दुखों का कारण ये है, मैं और मेरे बंधन है। फिर बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। जैसे एक मकड़ी वो खुद ही जाल बुनती है और जाल बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद ही उस जाल में फंस जाती है और वो चाहकर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तूने भी अपनी जिंदगी में कितने ही रिश्ते बनाए हैं, कितने से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है और उनमें मोह रखने के कारण आज वो तुम्हें दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें दुख या सुख नहीं होता, हमें दुख या सुख तब होता है जब हमारे अपनों के साथ कुछ होता है या फिर हमारा अपना हमारे साथ कुछ करता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई। जब शहद से भरे एक डिब्बे में एक उड़ती हुई मक्खी घुस जाती है तो उसे शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है, वो बहुत प्रसन्न होती है और अगर वो चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर वहाँ से उड़ सकती है। लेकिन वो शहद के रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वो वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहती और उस शहद को लेते लेते उसके पैर और पंख शहद में फंस जाते हैं। फिर जब तक पेट भरता है वो बुरी तरह से उस शहद में फंस जाती है। फिर वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, पर वहाँ से उड़ नहीं पाती। ठीक उसी तरह तूने भी अपने जिंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू शुरू में तो तुझे बहुत सुख आया और आज ही रिश्ते तुझे दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की परवाह न करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है तो आगे चलकर उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर से रोग आने लगते हैं। ऐसे ही मन जब सारे संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तिसड़ाए और वासनाएं कर लेता है तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है और फिर चाहे वो कितना भी धन मिलता रहे उसकी तृप्ति कभी नहीं होती है,
हमेशा धन से अतृप्त होता है, फिर इसी से उसके मन में दुख का जन्म होता है। फिर उस व्यक्ति को एहसास होता है कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही वजह है मेरे सारे दुखों का, मेरे सारे दुख मेरी वजह से ही पैदा हुए हैं, मेरे मन के मोह से पैदा हुए हैं। फिर उसने महात्मा बुद्ध से एक और प्रश्न किया कि आपने मुझे कारण तो बता दिया, अब आप मुझे इसका उपाय भी बताइए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन का मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके मन में फिर मोह और वासना का सारा अंधकार ही दूर हो जाता है।